हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ़ायदा। और मैं हूं आपका दोस्त। और बहुत ही जल्द दिवाली आने वाले हैं और हमारे इंडिया में दिवाली को बहुत शुभ माना जाता है। और इस शुभ मुहूर्त में बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट करना भी पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का मानना है कि दिवाली के टाइम घर में वेल्थ और गुड लक दोनों आता है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सेक्टर के बारे में बात करेंगे जो दिवाली के समय में काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है। सो वेलकम टू दिवाली सगुन के शेयर, जिसमें हम सीखेंगे कैसे दिवाली सीजन में कैसे किसी सेक्टर का शेयर पिक किया जाता है। और लास्ट में मैं आपको दो ऐसे शेयर दूंगा जो आपके पोर्टफोलियो में चांद लगा देगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे दिवाली सगुन क्या होता है और दिवाली सीजन में कौन से सेक्टर ग्रोथ करते हैं और ग्रोथ करने का रीज़न क्या होता है, फिर उसके बाद बेस्ट स्टॉक के नाम एंड देन इस वीडियो का कंक्लूजन। तो चलिए शुरू करते हैं दिवाली सगुन शेयर। एक्चुअली में दिवाली सगुन के शेयर क्या है ये जानने के लिए पहले आपको मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में जानना होगा। मुहूर्त ट्रेडिंग, जिसमें सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का बढ़िया अवसर माना जाता है, उस दिन अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करना आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत हो सकती है। एक्चुअली हर साल दिवाली के दिन स्टॉक मार्केट एक घंटे के लिए ओपन किया जाता है, जिसमें लोग ट्रेड और इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि दिवाली के दिन लक्ष्मी हमारे घर आती है और ऐसे शुभ अवसर पर फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करना काफ़ी शगुन माना जाता है। और आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे शगुन के शेयर के नाम बताऊंगा जिसमें आप इन्वेस्ट करके मालामाल हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम सीखेंगे कि कैसे दिवाली के सीजन में कौन सा सेक्टर ग्रोथ करेगा और क्यों, देन उस सेक्टर के दो ऐसे स्टॉक जो शगुन होगा आपके और हमारे लिए। दोस्तों, हमारे इंडिया में दिवाली का एक ऐसा त्यौहार है जो जीवन में खुशियां भर भर के लाता है। और इन्हीं खुशियों में चार चांद लगाने के लिए हम मार्केट से सामान खरीदते हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, रियल इस्टेट में हम इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, शॉपिंग खरीदते हैं जिसमें हम कपड़े लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेते हैं, ज्वेलरीज लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। यूजुअली हमारे इंडिया में दिवाली के सीजन में कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जो हायर ग्रोथ अचीव करते हैं, क्योंकि इन सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका डिमांड मार्केट में ज़्यादा रहता है। जैसे कि FMCG सेक्टर का ग्रोथ इसलिए होता है क्योंकि मार्केट में चॉकलेट्स, स्वीट्स एंड स्नैक्स और जो भी FMCG सेक्टर जो प्रोडक्ट्स है उनका कंजप्शन बढ़ जाता है। सिमिलरली रिटेल सेक्टर हुआ, ज्वेलरी सेक्टर हुआ, ऑटोमोबाइल सेक्टर हुआ, इन सारे सेक्टर दिवाली के समय काफ़ी अच्छा ग्रोथ देते हैं। आई होप आपको समझ आ गया रहेगा कि कैसे कोई सेक्टर ग्रोथ करता है और क्यों करता है। नाउ अब बारी है इन्हीं सेक्टर में से बेस्ट स्टॉक पिक करने का, जिससे कि वो शेयर हमारे लिए शगुन की तरह साबित हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं FMCG सेक्टर से। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि FMCG सेक्टर का शेयर हमेशा खरीदारी के लिए सबका पसंदीदा शेयरों में से एक होता है। अब क्योंकि दिवाली का सीजन है और इस त्यौहारी सीजन के दौरान FMCG सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका डिमांड बढ़ता है, और इसीलिए FMCG में इन्वेस्ट करने के लिए हम सोचते हैं और हमारे लिए ये एक अच्छा मौका होता है। और इसी मौके का फ़ायदा उठाने के लिए हम FMCG सेक्टर के दो सेक्टर के नाम बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर और ITC। और इस दो शेयर में आप इन्वेस्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं और मुहूर्त ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि रिटेल सेक्टर के जो ब्रांड्स होते हैं उनका डिमांड काफ़ी बढ़ता है, क्योंकि हमारे इंडिया में दिवाली के समय नए नए कपड़े जरूर खरीदते हैं जो रिटेल सेक्टर को बूस्ट करता है। और इस सेक्टर में म्यांमार रेमंड दो कंपनियां ऐसी है जिनका पोजीशन टॉप है इस सेक्टर पे, तो आप इसमें इन्वेस्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। हमारे इंडिया में दिवाली से एक दिन पहले धनतेरस का त्यौहार आता है, और ऐसा माना जाता है कि सोना चांदी खरीदने का सबसे अच्छा दिन धनतेरस होता है, और इसी दिन लोग जम करके सोना चांदी बाय करते हैं, जिसके कारण ये सेक्टर दिवाली के समय काफ़ी ग्रोथ करता है। और इसी ग्रोथ का फ़ायदा अगर हमें उठाना है तो हम इस सेक्टर के दो कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो दो कंपनियां हैं कल्याण ज्वेलर्स एंड तनिष्क ज्वेलर्स, और इन दोनों में हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दिवाली हो या लोग गाड़ी ना खरीदे, ऐसा हो नहीं सकता। नई नई गाड़ियां खरीदने के लिए लोग दिवाली का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि दिवाली के समय ये सब खरीदना शुभ माना जाता है, और इसी शुभ घड़ी में ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्रोथ करता है। अगर ऑटोमोबाइल कंपनी की बात करें तो हम टाटा मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और मज़े की बात यह है कि लोग ऑलरेडी टाटा मोटर से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। आई होप आपको मैंने जो शगुन के शेयर बताए हैं आप उस पर अपना खुद का रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, और इस दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन आप स्टॉक के साथ साथ
लर्निंग पे, प्रॉफिट पे और फन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जब 2023 की दिवाली आएगी तब मैं आपको अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाऊंगा, जिसमें आप मेरा प्रिडिक्शन चेक कर सकते हैं। तो मेरा रिपोर्ट कार्ड चेक करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में।